गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज की ट्रेडिंग रहने है, क्या न्यूज़ इंपैक्ट है, ओवरऑल कंडीशन कैसी बनने वाली है। तो सबसे पहले नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट भी मिलती रहे। यहाँ आपको बाइंग से लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं, चार्ट पैटर्न कैसे बनता है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। फॉर डिस्क्लेमर, आपको ट्रेडिंग करने से हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोखिम और प्रॉब्लम वाले सेंटिमेंट आपके साथ बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपना जो भी अपडेट रहता है, लिंक रहता है, मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं डॉलर इंडेक्स पे, जो चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो कल की बात कर रहे हैं, कल एक डाउन मूव होता हुआ देखने को मिलता है, और डाउन मूव रहता है कि जैसा US का डेटा आया था उस सभी कंडीशन के बेस में देखते हैं, तो एक पॉजिटिव होप बनी थी कि मार्केट में जो भी फेड का रेट कट है वो कट करने वाले चांसेस बन रहे हैं। लेकिन फाइनली इसने जो ये वाली जोन हुआ करता था 105.9 से लेके 105.75 या फिर 8 तक का जो रेंज है, इसके बीच में से क्लोजिंग किया और फाइनली आज हायर साइड में निकला है। तो यहाँ की अगर कंडीशन की बात कर लेते हैं तो मिक्स रिएक्शन है। आज का जो PCE का डेटा आने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्फ्लेशन के लिए मेन डॉट्स का काम करेगा कि क्या लोगों की इन्फ्लेशन है और क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से सेंटीमेंट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट हाफ में एक मार्केट के लिए ये हायर साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, बट अभी यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन करे तो बेटर रहेगा। सेकंड हाफ में मूवमेंट करता है तो अच्छी कंडीशन बनने वाली रहेगी। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जो गोल्ड का कॉमेक्स है, गोल्ड कॉमेक्स ऑलरेडी 2331-30 के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 2322 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर हायर साइड में 40 के लेवल को निकालता है तो फिर इसके लिए 46 तक का रेंज आज के लिए रहेगी। इसके बाद में मार्केट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा क्या करने वाले हैं। इन दोनों के कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं तो इंडियन मार्केट स्पेशली फॉर कॉमेक्स के बाद में MCX अच्छे पोजिशन के साथ में हायर साइड क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है, और इसने 71,300 के आसपास क्लोज किया है। अब ये दोबारा से एक जो रेंज का फॉर्मेशन है इस पर स्टक कर गया है। जो हम कल देख रहे थे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकाल जाता तो ये इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये कंडीशन जो इसने बनाया है ये एक रेंज का फॉर्मेशन है, ये इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होगा, ये आपको वॉच करना पड़ेगा। और डाउन साइड के लिए ऑलरेडी इसके लिए 71,200 का लेवल इम्पॉर्टेंट है और मैक्स लेवल 71,000 तक का लेवल रहेगा। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी थोड़ी सी मिक्स ही बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जो भी सेंटीमेंट्स आएगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में कैसा इनपुट इवनिंग के टाइम में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके बाद में इंडियन मार्केट की बाद में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर का कॉमेक्स अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो एक किस्में हम अगर डॉलर इंडेक्स और गोल्ड की बाद में कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स ने एक थोड़ा सा पुल बैक दिखाया हायर साइड में, जो क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस डे के लो में हुई थी, बट आज का हाई ये थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एक अलर्ट लेवल है कि इसको जो रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए बना हुआ है, मल्टीपल रेजिस्टेंस इसकी बात कर लेते हैं, 29.36 या 29.4 से लेके हायर साइड में 29.5, ये इम्पोर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। अब इसके लिए जो इनपुट कल का इनपुट आया था कि जो डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक डेटा आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था, GDP का आंकड़े आया था, उन सभी के बेस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने मिला था कि अगर जैसे रेट कट का इंडिकेशन आएगा तो यहाँ पे एक डायरेक्शनल चेंज होगा। तो इस वजह से इतना पुल बैक आपको देखने को मिला, फर्दर मार्केट सेटल किया कि ऐसे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं। आज का डेटा दूसरा आएगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बाद में जो फेड की फाइनल कमेंट्स आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। फेड के फाइनल कमेंट जो बड़े मेन गवर्नर हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ हम रेट कट करने वाले पोजीशन में भी बने हुए हैं। तो ये कंडीशन सारी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो उसने कल की अगर ट्रेडिंग अगर आपने देखी होगी तो ये जो पोजीशन इसने बनाई थी उसके बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन करता है, उसी में क्लोजिंग कर देता है। आज पूरे दिन रेंज बनाया है, दोबारा से एक बॉटम बनाया है यहाँ पे 29 के आसपास, और फिलहाल के लिए 29.45 इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 5 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो इसके लिए सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेंगे तो फिर इंडियन मार्केट जैसा हम ट्रेड के लिए बात करते हैं, जो सिल्वर माइक्रो का MCX है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ फ्रेंड्स ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो रेंज का फॉर्मेशन है
मैंने आपको लिए कल भी बोला था कि मेजर ट्रेंड एज इट इज अभी निगेटिव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये मार्केट आता है, रुकता है, फिर डाउन साइड आता है, दोबारा रुकता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर दोबारा रेंज का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से रुक रुक के मार्केट चल रहा है, मतलब एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 26 और 27 को ये 88,500 से लेके 89,000 तक के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो ये 600 से 700 पॉइंट का रेंज बना रखा है, ये मेजर इम्पैक्ट है इसके लिए और एक बेस क्रिएट कर रहा है। अगर इसको यहाँ से नीचे निकलना है तो इसका ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आज ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इवनिंग का डेटा आएगा वो भी हो सकता है एक पॉजिटिव होप लेके आए, तो फिर यहाँ पे एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। 90,000 का टारगेट, अगर वहाँ से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो फिर मार्केट एक रेंज में क्लोज करने की कोशिश करेगा और थोड़ा डाउन साइड करेक्शन भी हो सकता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इवनिंग न्यूज़, इस वजह से आपको रेडी रहना पड़ेगा। प्राइस पैटर्न जो यहाँ पे बोल रहा है, प्राइस पैटर्न के बेस पे अगर आप देखते हैं तो ये मिक्स रिएक्शन है, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि मैं यहाँ पे बाइंग में मूड में हूँ या सेलिंग मूड में हूँ। वो कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये एक डाउनग्रेड आते हुए, डाउनसाइड आते हुए दोबारा से पुल बैक करके प्रीवियस डे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने आपके लिए एक इंगल्फिंग टाइप की पैटर्न की यहाँ पे इंडिकेशन किया था, चार्ट में पोस्ट किया था और जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें भी इसको हमने देखा था। अब ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है कि फर्दर इसको डिसाइड करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत पुलबैक रहे, लेकिन आपको बहुत मेजर डायरेक्शन के लिए अभी आई थिंक वेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिए आप स्मॉल पॉइंट्स के लिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंडिकेशन के लिए जो बात किया था, ये जो दोनों कैंडल बनी थी, अगर इस कैंडल का क्लोजिंग जो प्रीवियस डे में कल की क्लोजिंग हुई है इस कैंडल के ऊपर हो जाती, जो 26 की कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो एक हमें होप मिल जाता। फिलहाल इसने क्लोजिंग 89 के ऊपर किया है, लेकिन जो इसके लिए लेवल था 89,500 उसके आसपास क्लोजिंग करता थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रहता। बट यहाँ पे अभी आज की ओपनिंग हो सकता है थोड़ा मिक्स रिएक्शन में रहे, तो यहाँ पे 89,200 से लेके 90,000 इनिशियल यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती हुई देखने को मिल रही है। डाउन साइड के लिए अभी थोड़ा सा और हायर साइड के लिए बहुत ज़्यादा डायरेक्शन बनता हुआ नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये दो दिन का रेंज विद इन रेंज ट्रेड किया है। इस वजह से आपको ये कैंडल वॉच करना पड़ेगा इसके डायरेक्शन। अगर इस कैंडल के हायर साइड जाता है तो आपको 200 से 500 पॉइंट का बीच हायर साइड में जा सकते हैं। अगर दोबारा इसी रेंज में रहता है तो फिर 88,500 का ये रेंज आपको देखने को मिल सकता है। फाइनली ट्रेडिंग आज इसी बीच में होने वाली है। ओवरऑल कंडीशन जो भी रहेगी फ्रेंड्स, मैं आपको इवनिंग में जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। न्यूज़ के टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि न्यूज़ इंडिकेशन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी रहता है। थैंक यू।